नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दोस्तों आज की मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छी रही बहुत प्रॉफिट अर्न करा गया बहुत ज़्यादा अच्छी रही आई डोंट नो अगर ये आप लोग पहली बार देख रहे हो तो शायद आप लोगों को दिख रहा होगा कि मार्केट पर तो बहुत ज़्यादा गिरावट आई है एंड वी बुक सम लॉसेस ठीक है बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ होगा जिन लोगों ने भी मेरी वीडियोज़ को सीरियसली देखते हैं समझते हैं दे विल अंडरस्टैंड कि आज उन लोगों को मार्केट पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा मैं आप लोगों को थर्टीन थाउजेंड टू फिफ्टी से कह रहा हूं यू हैव टू बाय टिल थर्टीन थाउजेंड सेवन फिफ्टी कोई भी डिप आए आपको बाय करना है फॉर अ टारगेट ऑफ थर्टीन थाउजेंड सेवन फिफ्टी हर वीडियोस पे रेगुलरली आप लोगों को बोला जा रहा था एंड जिस दिन थर्टीन थाउजेंड सेवन फिफ्टी टेस्ट करा था आई हैव टोल्ड यू टू एग्जिट योर पोजिशंस मल्टीपल टाइम एंड यू हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट आप लोगों को कल जब स्टॉक्स भी बताए गए तब भी बोला था कि बाय साइड के लिए तो मैं दे रहा हूं बट बाय मत करना बहुत कम क्वांटिटीज में बाय करके देख लेना ठीक है सेल साइड में ज्यादा फोकस करना एंड कोई अपॉर्चुनिटी मिले यू हैव टू शॉर्ट हमारे क्लाइंट्स को भी आज पूरा दिखाया गया ये पूरी फॉल उन लोगों ने देखी है हमारे क्लाइंट्स में जब लाइव मार्केट पे हम लोगों ने उन्हें ट्रेन करके बताया था सो so, हमारी मार्केट पे बहुत अच्छे हम लोगों को प्रॉफिट हुआ आई हैव अर्न समथिंग अराउंड ट्वेंटी थाउजेंड इन वन लॉट एंड आई एम स्टिल होल्डिंग थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड पोट ऑप्शन यस जब थर्टीन थाउजेंड सेवन ट्वेंटी को ब्रेक करा था आई हैव डेफिनेटली गो फॉर अ शॉर्ट एट दैट टाइम ठीक है एंड अर्न अर्व सम गुड मनी और मेरे क्लाइंट्स लोगों ने भी थोड़ा बहुत करा हो बट एक्चुअल में वो लोग सीख रहे हैं तो आई डोंट माइंड अगर उन लोगों ने अर्न करा हो ना करा हो सीखना इंपॉर्टेंट है ये अपॉर्चुनिटीज़ तो आती रहेंगे ठीक है एंड वो एग्जैक्ट लेवल पे आप लोगों को सेल बोला था विद सिंपल वन इंडिकेटर नथिंग प्राइस एक्शन नथिंग सिर्फ एक इंडिकेटर भी नहीं इट्स अ टूल विच इज फिबोनाची एक्सटेंशन देखिए गाइस सारी चीजें पॉसिबल है अगर आप मार्केट पे आते हो अगर आपके पास नॉलेज है देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड ठीक है इफ अ स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड इफ अ स्टूडेंट इज पैशनेट देन ओनली द मास्टर विल शो वट आई मीन स्टूडेंट विल इंटरेस्टेड देन ओनली द मास्टर विल शो देर कार्ड इसका मतलब क्या है इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी लाइन है इसका मतलब है, जब स्टूडेंट एक टॉपिक पे हमारा टॉपिक क्या है स्टॉक मार्केट जब एक बंदा टॉपिक पे इंटरेस्टेड होता है स्टूडेंट तब भी जब अपना मा, एक मास्टर जो उसका होता है जब वो अपने कार्ड को शो करता है तब उन्हें उसकी ट्रिक समझ में आ जाती है समझ रहे हैं जितना भी मैंने पढ़ाया जो लोग जेन्यूनली इंटरेस्टेड थे उन्हें पता था कि हमें बाय नहीं हमें शॉर्ट करना है और यह मैं आप लोगों को पांच दिन से बता रहा था कि इसी लेवल पे शॉर्ट करना ठीक है मेरे आपको जितना पढ़ा लूं आपको नहीं समझ में आएगा इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टू द मास्टर ठीक है चॉइस होती है आप मास्टर सेलेक्ट कर लो आप टॉपिक सेलेक्ट कर लो आपको वो जो भी पढ़ाएगा आप एग्जैक्ट उतना सीख जाओगे जितनी उसके पास नॉलेज है मेरे पास जितनी नॉलेज है मैं अपने स्टूडेंट्स को उतना पढ़ा दूंगा बट वो उसका दस परसेंट समझ पाएंगे कुछ लोग जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है वो पूरा समझ जाएंगे वो लोग जो डेफिनेटली इंटरेस्टेड है ठीक है तो ये सारी बातों को ध्यान रखिएगा जब तक आप लर्न कर रहे हो तब तक अर्न के बारे में मत सोचो जिस दिन अर्न करने लग जाओगे आप दूसरों को लर्न करवाना स्टार्ट कर दोगे ठीक है तो गाइस आप लोगों को पूरा बताया गया था ये वीडियो मेरे पास अभी भी है एंड मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाहूंगा ये वाली वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी थी ऑन ट्वेल्थ ऑफ दिसंबर को वॉट अ जॉक जोक स्टॉक मार्केट बिगेस्ट क्रैश ट्वेंटी ट्वेंटी इज कमिंग ये एक स्कैम था जो मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी कि जितनी बार पांच छह महीने से लोग कह रहे थे कि स्टॉक मार्केट इज गोना क्रैश क्रैश क्रैश

मैं डेफिनेटली आई एम सेंग टू यू अब बहुत सारी अब आप लोगों को देखिए मैं अगर आप लोगों के साथ फ्रैंक होंगे तभी आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे ठीक है अब आप लोगों में गलती क्या होगी मैं बताता हूँ ये वीडियो एंड हो जाएगी और मैंने अभी तक यूट्यूब चलाया नहीं तो क्या होगा अभी बहुत ज़्यादा आ गया होगा यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा लोगों ने वीडियोस बना दी होंगी स्टॉक मार्केट क्रैश व्हाट वी डू क्या होगा अब अगला क्या है कल मार्केट क्या करेगी स्टॉक मार्केट क्रैश 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 की ढेर सारी वीडियोस बनने वाली हैं ढेर सारी वीडियोस आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे अभी देखना ढेर सारी वीडियोज़ बनने वाली है और जिस बंदे ने तीन महीने पहले ये वीडियो बनाई थी वो अब आके बोलेगा कहा था ना मैंने स्टॉक मार्केट क्रैश करने वाला है जब तेरह हजार में था तब उसने बात बोली थी और अभी भी गिर के वो तेरह हजार नहीं आया होगा समझ रहे हैं आप तो मैं आपको कहूंगा यू हैव टू चूज वन मास्टर एंड यू हैव टू लर्न जब तक आप उसके मास्टर ना बन जाओ ठीक है आप दूसरे मास्टर में तभी शिफ्ट होते हो जब आप पहले के मास्टर बन जाते हो मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा था इतने टाइम से कि आप मेरे मास्टर बनो डेफिनेटली सब लोग थोड़े बहुत लोग बने भी होंगे जो लोग इंटरेस्टेड हैं आई डोंट वांट देयर नेम्स मुझे कोई नहीं चाहिए बट अगर आप लोग बन रहे हो तो मेरे मास्टर बनो एंड उसके बाद से दूसरे मास्टर को चूज करो बहुत बार होता है यू विल फाइंड मल्टीपल ऑफ वीडियो जो हर दिन रिकॉर्ड होती हैं और हर दिन अपलोड होती है स्टॉक मार्केट की आई एम सेन्युनली कि मुझे देखिए मैं आया मैं स्टॉक मार्केट मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है तभी आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो तभी मेरे से सीखते हो मैंने सब लोगों की वीडियोस देख रखी है आई हैव सीन सबके यूट्यूब चैनल्स देख लेता हूँ आई डोंट माइंड कि अगर मुझे उन लोगों से इन्फॉर्मेशन मिल रही है अगर मुझे उनसे कुछ नॉलेज मिल रही है तो आई डेफिनेटली ग्रैप्स डेप ठीक है तो मुझे आपको बताता हूँ जेनुनली स्टॉक मार्केट पे कौन सही है ठीक है इफ़ यू हैव टू फोकस अभी भी कह रहा हूं सेलेक्ट वन मास्टर इफ़ यू वॉन्ट टू सी मल्टीपल वीडियोज ऑन स्टॉक मार्केट सिर्फ किसको भरोसा करना मैं अपनों को अपने को तो जरूर इंक्लूड करूंगा डेफिनेटली इतनी मेहनत कर रहा हूं। सेकंड पावर ऑफ स्टॉक आम, मैं देखिए मैं मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मैं देखता हूं यूट्यूब पे लोगों के जो इंटरटेनमेंट डालते हैं जो इंटरटेनमेंट वीडियोस डालते हैं उनकी कितनी अच्छी कम्युनिटी है सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर डालते हैं इंस्टाग्राम पे भी अगर आप देखते होंगे सब लोग एक दूसरे को प्रमोशन देते हैं मतलब बेसिकली सब लोग साथ रहते हैं बट एक स्टॉक मार्केट पे यूट्यूब पे ऐसी कम्युनिटी है या इंस्टाग्राम पे आप फेल्ट करेंगे जो मैं आपको कह रहा हूँ कोई साथ नहीं देता बिकॉज सब लोग अपना कोर्स सेल करते हैं डेफिनेटली आई एम ऑल्सो सेलिंग माई कोर्स सब लोग अपना कोर्स सेल करते हैं तो बात इतनी सी आ जाती है कि यार अगर मैं तुमसे बात करूँगा तो so, मेरे बंदे तुम्हारे पास कोर्स ना आ जाए आई एम सेंग नथिंग भाई अगर तुम लोगों को मेरे बंदे चाहिए अगर मेरे बंदे इंटरेस्टेड हैं मतलब अगर आप मेरी कम्युनिटी इंटरेस्टेड है तो भाई आप लोगों का कोर्स ले ले आई डोंट ना माइंड ठीक है बट आप लोग यार इंटरेक्ट तो करो मैंने अभी भी दो तीन चार जो यूट्यूबर्स हैं बढ़िया बढ़िया उन लोगों को भी मैसेज मे करा जिनके पास मेल आईडी मेरी उस यूट्यूब पे नहीं लिखी थी उनको भी मैंने मैसेज करा कि यार वी हैव टू गो लाइव हमें अपने क्लाइंट्स हमें अपने कम्युनिटी के सामने लाइव आना पड़ेगा एक बार वीडियो चैट्स में आना पड़ेगा कि हम इन्हें शो करें कि वी हैव अ स्ट्रांग कम्युनिटी ठीक है तभी तो हम साथ में मिल आगे बढ़ेंगे एक बंदा कितना आगे पहुँच जाएगा एक बंदा अगर मैंने एक यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर एक बंदे का देखा था अगर आप अकेले आगे बढ़ोगे तो आप बहुत अच्छा कमा लोगे अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर लोगे बट अगर आप साथ लेके चलोगे तो वेल्थ तो क्रिएट होगी नाम भी क्रिएट होगा इकोनॉमी भी चेंज होगी माइंड का पर्सपेक्टिव भी चेंज होगा ठीक है तो भाई अगर आप किसी की यूट्यूब वीडियोस देखते हैं मैं नाम बता देता हूँ फ्रेंकली पावर ऑफ स्टॉक ब्लूमिंग बुल्स ये दो हो गए एंड थर्ड इज मद्रास ट्रेडर मुझे ये तीन बहुत अच्छे लगते हैं ये सिंपल वे में बताते हैं सिंपल प्राइस एक्शंस बताते हैं सिंपल वे में टीच करते हैं मैं ज़्यादा स्ट्रैटेजीज के ऊपर ध्यान नहीं देता ऑफकोर्स नंबर वन इज़ माई पावर ऑफ स्टॉक बिकॉज वो सिंपल ही डज इन यूज़ एनी इंडिकेटर कोई स्ट्रैटेजी विच इज़ एम आई आई क्रॉस ओवर नथिंग सिंपल जैसा मैं पढ़ाता हूँ ठीक है तो यू हैव टू वॉच गो देयर वीडियोस उनकी वीडियोस को जाके वॉच करो मल्टीपल जाके मत करो आपका माइंड डिस्टर्ब होगा मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूं, आप लोगों के लिए भले के लिए बता रहा हूं ठीक है मेरा कुछ नहीं जा रहा आप लोगों को जितना देखना है आप देखो बट आप लोगों के लिए माइंड के लिए बता रहा हूं बहुत ज्यादा आप, आप लोगों ने ना क्योस क्रिएट हो जाता है आपने एक बंदे की वीडियो देख ली उसने तीन स्टॉक बता दिए आपने एक की देख ली उसने तीन बता दिए बहुत ज्यादा ना माइंड डिस्टर्ब हो जाता है यू हैव टू फोकस ऑन वन ठीक है सो so, मैंने मैसेज उन्हें डाल रखे हैं डेफिनेटली अगर वो रिस्पॉन्स करेंगे तो हम लोग यूट्यूब पे लाइव आएंगे हर एक चैनल पे एक एक हफ्ता आएंगे एंड आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे कोई कोर्स की डिस्कशन नहीं होगी कुछ डिस्कशन नहीं होगा सिर्फ मार्केट के बारे में और आप लोगों के साथ चर्चा होगी ठीक है जैसे चाय पे चर्चा हम लोग देखते थे वैसे हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे अगर वो लोग रिस्पॉन्स करते हैं या डेफिनेटली दे हैव थ्री लाख सब्सक्राइबर्स टू उन लोगों ने देखी होगी तो दे विल रिस्पेक्ट एंड इफ दे वॉन्ट टू बिल्ड कम्युनिटी मेरी जाके देखेगा कि पे, इसका रीजन स्कैम वाली वीडियो पे है आपको दिख जाएगा कल स्टॉक्स की बात कर ले ज्यादा वीडियो लंबी हो गई होगी ठीक है फर्स्ट स्टॉक इज देखिए मेरा टाइटल क्या था थंबनेल फाइव स्टॉक्स आई एम बाइंग अब मेरा टाइटल आज चेंज हो गया फाइव स्टॉक्स आई एम सेलिंग ठीक है दोबारा बता रहा हूं इट्स नॉट अ क्रैश इट्स नॉट अ क्रैश ठीक है कभी भी क्रैश का वर्ड अगर आपने सुन लिया तो उस वीडियो को प्लीज क्लिक मत करेगा इट्स नॉट अ क्रैश इट्स अ करेक्शन इट्स अ रिट्रेसमेंट ठीक है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है अपने वर्ड्स को अच्छे से समझो जो टर्मिनोलॉजी है उसको अच्छे से समझो आप मार्केट पे सक्सीड करोगे ठीक है ये हमारा स्टॉक है एक्सिस बैंक इस पर शॉर्ट करने की सलाह दे रहा हूं स्टॉक देख सकते हैं बहुत अच्छी रैली दे चुका है ऑलवेज उसके बाद इसने एक डबल टॉप टाइप सीनारियो बनाया एंड उसका हम लोगों ने देखा एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल गया ठीक है अब ब्रेकडाउन आ चुका है कल अगर ये गैप अप खुलता है तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे अगर गैप अप खुलने के बाद ये अपने इसी लो को ब्रेक करता है तो यस वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट अगर इसी लेवल पे खुल के नीचे आता है तो वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट ओके बिकॉज इतनी ज्यादा मार्केट गिर चुकी है तो एक छोटा सा पुल बैक आ सकता है उस पुल बैक पर भी शॉर्ट करना है अंडरस्टैंडिंग आई एम नॉट रिट्रेसमेंट वर्ल्ड आई एम सींग पुल बैक इन शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम ठीक है इन अ लॉन्ग टर्म इट्स अ रिट्रेसमेंट इन अ शॉर्ट टर्म इट्स अ पुल बैक ओके okay? सारी चीजें सिखाता हूं मैं आप लोगों को तो प्लीज फोकस करिए अगर आप लोगों को मार्केट पे अर्निंग करनी है बस एक अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है अगर यह अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाता है यू कैन अर्न थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ मनी डेफिनेटली ठीक है नेक्स्ट स्टॉक जो आता है नेक्स्ट स्टॉक इज रिलायंस एंड गाइज मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है आ, उस सीरीज पे जो भी आपके स्टॉक्स होंगे उसकी एनालिसिस मैं करूंगा ठीक है तो वो सीरीज पे उन लोगों ने अपने कमेंट्स पे लिखा था कि उन लोगों को कौन से स्टॉक्स के बारे में बात करनी है तो सबसे ज्यादा जो लाइक्स आए थे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर आए थे कि उनको एनालिसिस चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के तो मैं अलग सीरीज को एक अलग वीडियो बनाऊं इससे अच्छा मैं आप लोगों को यहां पर पांच स्टॉक्स के साथ अलग एक छठा स्टॉक बता दूंगा जिसपे भी आप लोग स्टॉक्स के बारे में पूछना चाहते हैं सो so, क्या कर सकते हैं कमेंट्स में नीचे लिखे आप जिसके बारे में स्टॉक्स के बारे में मेरे से एनालिसिस चाहते हैं पर्सनली तो मैं उसकी एनालिसिस करके लाऊंगा जिस भी स्टॉक पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे ठीक है जिस स्टॉक पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे उसकी एनालिसिस में आप लोगों को अगले दिन नौ बजे बताऊंगा ओके okay? सबसे ज्यादा इस पर आई थी ये शॉर्ट के लिए भी एक कैंडिडेट था तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया पैटर्न बहुत डेफिनेटली बहुत बढ़िया पैटर्न एक नीचे आया एंड एक रेंज के अंदर ट्रेड करा इस पर्टिकुलर पैटर्न को कहते हैं हम लोग बियरिश पेनेंट पैटर्न ठीक है ये बियरिश पेनेंट पैटर्न होता है बहुत बढ़िया बना है इसका ब्रेक डाउन आ चुका है एंड बहुत अच्छे लेवल से दे रखा है सो यस डेफिनेटली या बहुत ज्यादा नीचे गया था उसके बाद रिकवर भी कर गया बट कोई बात नहीं रिकवर कर रहा है तो कल अगर गैप अप खुलेगा वी डिडेंट ट्रेड अगर नीचे इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है देन वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट ठीक है नेक्स्ट स्टॉक आर इज टेक महिंद्रा यस टेक महिंद्रा महिंद्रा पे आप देख सकते हैं एक अपमूव आई, एक फॉल आया फिर एक अपमूव आई, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करा देख सकते हैं प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करा अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर चुका है सो so, यानी कि इट्स फॉर्मिंग आ लोअर लो एंड लोअर हाई सिचुएशन ठीक है सो so, यहां पर अगर ये इसके नीचे जाता है एक बार तो हम लोग दोबारा इस पर भी शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं देखिए स्टॉक ज्यादातर स्टॉक्स ने क्या करा है बहुत ज्यादा नीचे गए हैं बट रिकवर कर गए हैं तो रिकवर करते समय किसी ने बाइंग तो करी होगी ना किसी ने बाइंग करी होगी किसी ने शॉर्ट्स काटे होंगे तो क्या होगा कल एक बार इन सब पे थोड़ी बहुत बाइंग आ सकती है तो इसको अपनी लिस्ट पे जरूर रखिएगा डेफिनेटली अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फायदा भी बहुत देखेंगे ठीक है और नेक्स्ट स्टॉक इज सनफार्मा एक सेकेंड मैं पूरा टाइप कर देता हूं यस सनफार्म हमारा नेक्स्ट स्टॉक है सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन इसके अंदर भी थी एक शार्प अपमूव उसके बाद हम लोगों ने देखा एक फॉल एंड एक शार्प अपमूव अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करा अगर मैं बॉडी टू बॉडी भी लू तब भी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करा नीचे आया इसको ब्रेक करा क्लोज कर चुका है अगर कल ये गैप अप खुलता है इसको रिटेस्ट करता है विच इज फाइव के लेवल को रिटेस्ट करके नीचे आता है यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट ऑन सनफार्मा ठीक है प्रॉबेबल टारगेट्स जो मेरे लग रहे हैं मुझे लगता है कि 535 या 540 तक आ सकता है ओके नेक्स्ट स्टॉक इज टाटा एलेक्सी लेट मी जस्ट चेक या इट्स टाटा एलेक्सी मैं नोट कर लेता हूं आप लोगों के लिए टाटा एलेक्सी सिमिलर टाइप ऑफ नीचे आया यहां पर इसने मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस करे उसे ब्रेक करा फिर नीचे आए मल्टीपल रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड इवेंचुअली इसने सपोर्ट को भी ब्रेक कर लिया तो यस yes, डेफिनेटली अब ये लेवल भी इसके लिए रेजिस्टेंस बन चुका है तो यहां पर हम लोग एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं अगर गैप अप खुलता है तो वेट करेंगे अगर गैप अप से पांच मिनट के टाइम फ्रेम पर रिवर्सल आता है वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट ओके सिंपल एनालिसिस है ट्राई करिए लेट मी शो यू बैंक निफ्टी एंड निफ्टी आई एम स्टिल होल्डिंग बैंक निफ्टी आई हैव जस्ट एग्जिटेड क्योंकि बैंक निफ्टी ने अभी तक अपना लाइफ टाइम हाई नहीं बनाया उसमें ज्यादा फॉल हमें देखने को नहीं मिल सकती ठीक है उस पर रिकवरी भी आएगी तो अच्छे से आ जाएगी ओके okay? ये पूरा का पूरा फॉल हमने कैप्चर ये पूरा फॉल हमने कैप्चर है डेफिनेटली मैं पंद्रह मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करूं देखिएगा जस्ट वेट अ सेकंड यस देखिए ये पूरा का फॉल हम लोगों ने कैप्चर करा देखिए एक सिंपल था ये ट्रेंड लाइन बनी हुई छोटी सी आपको दिख रही है ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई वी गो फॉर अ अट एट दिस कैंडल हमारा टारगेट हमारा स्टॉप लॉस ये था बिकॉज यहां पर मल्टीपल कैंडल्स बन चुकी थी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देने वाली थी एंड वी ऑलरेडी नो ठीक है सो वट आई डू आई बाय थर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड पुट ऑप्शन मल्टीपल पुट ऑप्शन एंड हमारा टारगेट एग्जैक्ट जो डिमांड जोन था वहां तक आया मैंने अभी भी होल्ड करा हुआ है ये अप मूव के बाद भी मैंने होल्ड करा हुआ है थोड़े लॉट्स निकाल दिए थे ठीक है बट आई एम स्टिल होल्डिंग मैं हर अप मूव में एक एक लॉट को ऐड करते रहूंगा यस yes. मैं हर एक अप मूव में एक एक लॉट को ऐड करते रहूंगा ठीक है मेरे लिए ये करेक्शन है क्रैश नहीं है कभी भी एक मूव आ सकती है ठीक है ध्यान से सुनेगा कभी भी एक मूव आ सकती है तो आपको अब इस क्रैश में नहीं इस करेक्शन में क्या करना है बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दो ठीक है बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दो आप बताओ तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बना दूं कि अगर आप लोगों के लिए ठीक है सो डू टेल मी ऑन द कमेंट्स एंड अपने स्टॉक्स जरूर बताइएगा ये पूरी मूवमेंट हम लोगों ने कैप्चर करी है एंड बैंक निफ्टी आई विल शो यू बैंक निफ्टी आई हैव जस्ट एग्जिटेड ठीक है मैं अपने टारगेट तक जैसे ही आया आई हैव एग्जिटेड बैंक निफ्टी मैं दिखा देता हूं आप लोगों को एक बार अगर ये ओपन हो जाए या बैंक निफ्टी एज यू कैन चेक इट्स अ मल्टीपल रेजिस्टेंस आप यहां देख सकते थे एक फॉल आई रिटेस्ट लिया इसी रिटेस्ट पे जब यहां से नीचे आया आई हैव शॉर्टेड दिस पोजिशन एंड अ टारगेट रीच मैं इसी लेवल पे एग्जिट कर गया ठीक है इसी लेवल पे एग्जिट कर गया अब आप एक चीज और गौर करिए कि मैं एग्जैक्ट इसी लेवल पे क्यों एग्जिट करा रीजन आपको अपने आप दिख रहा है जब एक अपमूव आई तो इसी कैंडल से दोबारा नीचे आया ना यहां मतलब रेजिस्टेंस था तो वी ऑलरेडी नो सिंपल एनालिसिस हम यहां पर एग्जिट कर गए पूरी मूवमेंट का आई डोंट केयर हमें अपने टारगेट्स मिल गए वो यहां से पाँच हज़ार फॉल कर जाए आई डोंट केयर हमारा जो टारगेट था वो मीट कर गया इसी पे आपको रिस्पेक्ट करना है आप सोचोगे यार मैं जल्दी एग्जिट कर गया मुझे पाँच का पचास हजार का हो जाता सो आप लोग कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे आप समझ रहे हो तो गलतियां मत करना बेस्ट ट्रेड्स लो सेल साइड मिल रहा हो तो कुछ भी शॉर्ट कर दो बाय साइड मिल रहा हो तो कोई भी बढ़िया स्टॉक उठा लो वो टारगेट आपको ऊपर देकर जाएगा बेकार स्टॉक हो कभी भी सेलिंग आए उसे सेल कर दो बढ़िया टारगेट देकर जाएगा ये एक्सपीरियंस कह रहा है मैं बहुत बार देख चुका हूं मार्केट पे सो एनालिसिस को एंड करते हैं थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई होगी बट आप लोगों के लिए सीख है दोबारा कह रहा हूं क्रैश वाली वीडियोज पे डोंट फोकस ठीक है ज़्यादातर यूट्यूबर्स को सबसे पहले अनसब्सक्राइब करो जो लोग आपके एग्जैक्टली exactly फेवरेट है देखिए मेरे को किसी से दुश्मनी है मैं मैं तो सबको कहूँगा कि हम लोग एक साथ जुड़ जाएँ बट आप लोगों के लिए कह रहा हूँ मैंने बहुत सारा वीडियोस देख रखी हैं तो मेरी जो ऑडियंस है जिन्हें मेरी चीज़ें समझ में आ रही हैं और जिनकी यूट्यूबर्स हैं उनकी चीज़ें मुझे समझ में आ रही है तो हम लोगों का सेम हुआ ना पेज हम सेम पेज में है तो सेम पेज वालों के लिए मैं कह रहा हूँ इफ़ यू वॉन्ट टू फॉलो फॉलो मद्रास ट्रेडर फॉलो पावर ऑफ स्टॉक फॉलो ब्लूमिंग बुल्स एंड फॉलो मी ये चार के अलावा सबको सब्सक्राइब करो एंड डोंट फोकस ऑन द थम नेल आपको सब चीजें बताता है कि यार थर्टी परसेंट सौ परसेंट का रिटर्न एक लाख रुपए लगाओगे पांच साल बाद दो करोड़ हो जाएंगे डोंट फॉल इन दिस थिंग ठीक है आई यू हैव यू आर वेरी स्मार्ट पीपल आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है एंड यू कैन अचीव एनी थिंग यू डिसाइड इन विद यूर माइंड ठीक है मेरा यही है मैं कुछ भी सोचता हूँ वो डेफिनेटली पूरा होता है बिकॉज मैं उस पर अमल भी करता हूँ ओके सो बस एंड करते हैं इसी सेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा होगा डेफिनेटली मैंने एंड वी आर इंजॉइंग इट एज वेल सो बाय बाय गाइस मिलते हैं अगली वीडियो पे